खबर जयपुर से, जहां जयपुर के मानसरोवर में स्थित एलाइट उमंग में एनी के मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी का सपरिवार इष्ट मित्रों सहित एवं कॉलोनी वासियों की उपस्थिति में बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में उद्घाटन हुआ। बीकानेर से पधारे पंडित विजय श्रीमाली ने फीता काटकर मेकअप आर्टिस्ट एनी श्रीमाल के मेकअप स्टूडियो का उद्घाटन किया। जैसा कि एनी श्रीमाल ने बताया कि पिछले 7 सालों से फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट है, जो जयपुर ही नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया में अपनी हेयर एंड मेकअप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मेकअप किए हैं, बहुत वेब सीरीज एड शूट और वीडियो सॉन्ग्स में भी काम किया है, और अकाउंटेबल ब्राइड्स को उनके स्पेशल डे पर और स्पेशल बनाया है। इन्हें 2 बार बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लारा दत्ता, मौनी रॉय से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का भी अवार्ड प्राप्त किया है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मेकअप स्टूडियो का शुभारंभ किया है, जिनमें उनके गुरु जी, माता पिता, सास ससुर, इष्ट मित्रों और कॉलोनी वासियों की महिलाओं ने जोर शोर से उपस्थित होकर उनके दिल को और स्पेशल बना दिया है। उन्होंने बताया कि उनका मेकअप स्टूडियो खोलने का लक्ष्य मेकअप के साथ साथ वह और ऐसी महिलाओं को भी अपने साथ इन फील्ड में लाना चाहती है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। आज ब्यूटी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में से एक है, जिसके साथ जुड़कर आप अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं और अच्छा काम करके नाम कमा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज और स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ मिलकर के ये काम सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए उन्होंने यह मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी ओपन की है। आप सभी आए और इसका लुत्फ उठाएं, और यही नहीं अपने आने वाले परिवारजनों में इस ब्यूटी कॉन्सेप्ट को फैलाएं, सिखाएं और इसके साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सब भागीदार बनकर समाज और राष्ट्र में अपना और देश का नाम रोशन करें। अपनी सफलता का श्रेय इन्होंने अपने माता पिता और अपने गुरु की असीम कृपा को दिया है। आपका परिचय? मैं विजय कुमार श्रीमाली, बीकानेर से, तंत्र एवं ज्योतिष आचार्य। आज किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ है? मेरी शिष्या और मेरी बिटिया एनी का आज स्टूडियो का इनोग्रेशन करने आया हूँ। मैं सपत्नी बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको देते हैं। आसमान में क्षितिज तारे की तरह चमकता उदयमान इनका स्टूडियो, खूब चमके, खूब नाम हो इनका, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इनको, पूरे जयपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो, ऐसी कामना करते हैं बाबा से। आपको आपकी विद्या में ऐसा क्या लगा कि इनको ये काम होना चाहिए, इन्होंने ये काम किया है? बहुत सॉफ्टनेस है। एज ए मैं खुद आर्टिस्ट रहा हूँ, है ना, मैं भारतीय चित्रकला का चित्रकार रहा हूँ, तो मैंने एज ए कलाकार इनके हाथों में वो नफासत देखी है, वो सॉफ्टनेस देखी है। तो 50 साल की बुढ़िया भी आई तो वो 10 साल की होके निकलती है इनके स्टूडियो से। अरे जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके जवाबों को सुन करके, हमें भी बहुत अच्छा है और आपको भी बहुत हार्दिक बधाई। आगे दिवाली आ रही है, उसकी भी आपको सह परिवार से हार्दिक बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को भी। धन्यवाद जी। आपका परिचय? दीनदयाल श्रीमाल, और ये मेरे दोनों बच्चे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस आयोजन और कार्यक्रम के बारे में कि जो दीदी ने आपके स्टूडियो खोला है? ये मेरी बहू कम और बेटी ज्यादा है, और ये जब से आई है तो मेरा परिवार जो है ना, और ये सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, और इसको ऊंचाई पर लेती जा रही है, और एक दिन देखा आप आसमान की गहराइयां छू गई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आगे आने वाली दिवाली के त्योहार के उपलक्ष्य में आप सबको सह परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप गगन वेदी को चाहिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। आपका परिचय? मैं एनी श्रीमाल, मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम जयपुर, और मैं पिछले 7-8 ईयर से एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। आज मैंने अपना स्टूडियो इनोग्रेट किया है, तो आशा करती हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स, जो भी सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैंने मेकअप किया, अब वो मेरे स्टूडियो विजिट करें और
आप बता सकते हैं कि अभी आपने कहा कि सेलिब्रिटीज, तो उनमें कौन कौन सा है? हाँ जी, मैंने काफी सारी सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, कुछ शॉर्ट मूवीज में भी किया है, एड में भी किया है, टीवी चैनल और उन सेलिब्रिटीज के नाम बता सकते हैं? जैसे लारा दत्ता, नोरा फतेही और बहुत सारे आकांक्षा शर्मा जैसे सिंगर, बहुत अच्छी फेमस है बॉलीवुड सिंगर, उनके साथ भी काम किया है। एंड बहुत सारे लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने एड शूट भी किए हैं। आपके लाइफ में ये डिसीजन कैसे आया कि मेरे को मेकअप लाइन में ही जाना है और दूसरी लाइन में आप नहीं गए? देखिए सर, वर्किंग तो मैं हमेशा से थी, मतलब काम करने का जो है मुझे अपनी मम्मा से मिला था। मम्मा हमेशा वर्किंग रही है, वो बहुत एफर्ट करती है लाइफ में, तो उन्हें देख के हमेशा मैं इंस्पायर होती थी कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। बट पहले मैं जॉब लाइन में थी एंड देन मुझे अपना खुद का सेटअप करना था, तो मैंने मेकअप फील्ड चुना और उसमें मैंने काफ़ी सक्सेस हासिल की और मैं बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ और एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फील्ड में काम करना। पहले किसी और मेकअप स्टूडियो के साथ आप काम करते थे, पहले मैं टीवी, अब ये आज आपका खुद का मेकअप स्टूडियो हो रहा है, तो कैसा फील हो रहा है? शुरुआती दौर में मैंने सबसे पहले एक टीवी चैनल के साथ में काम किया था सर, थ्री इयर्स मैंने उनके साथ में काम किया था। उसके बाद में मैंने फ्रीलांसिंग किया, पिछले 5 साल से मैं कर रही हूँ। आज मैंने अपना स्टूडियो इनोग्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अवेटिंग है इस पल के लिए, अब वो आएंगे और मैं उन्हें सर्विसेज देंगे। सुपर सुपर एक्साइटेड। एक अंतिम सवाल, आप महिला हैं और आज जमाने में अब लोग अपनी विचारधारा से काफ़ी अपनी नैरो माइंड को छोड़ के ब्रॉड माइंड की तरफ आए हैं कि अब महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, तो आपको उस समय में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो उस समय था वो आज भी है, काफ़ी जगह पे नैरो माइंडेड लोग मिलते हैं, बट इट डजंट मैटर। आई थिंक आपके अपने लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरुजी, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं, मेरे हस्बैंड, तो मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बिकॉज मेरे अपने साथ मेरे सर्कल में जो लोग हैं वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उन सबके लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आपको भी बहुत बहुत बधाई न्यू ओपनिंग MUA मूंगा मेकअप बाई एनी, बहुत बहुत बधाइयाँ और आने वाली दिवाली के त्योहार की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनी दीदी ने जो मुआ मेकअप बाई एनी स्टूडियो ओपन किया है, इसके बारे में इनके थोड़ा व्यक्तिगत आप कुछ बताएंगे? एनी बहुत समझदार है और इसका जो मेकअप का स्टूडियो है वो बहुत चले, बहुत आगे बढ़े, उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आपकी फैमिली में कभी मेकअप करवाया हो तो इनका हाथ कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा। आप बताइए। बधाई हो एनी देखो सबसे पहले तो, और अभी मैंने अपनी डॉटर इन लॉ का मेकअप इनसे ही करवाया, इतना फैबुलस था वो, इतना ज़्यादा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं गंगानगर गई थी तो वहाँ बहुत ही अच्छा, सब लोगों ने बहुत ही प्रेज किया इनको। आपने नहीं करवाया? मैंने नहीं कराया अब, बट अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ इससे करवाने के लिए। मैंने कहा मेरे स्टूडियो में ही सबसे पहले मैं ही करवाऊंगी। आप बताइए दीदी। एनी हमारे सोसाइटी की बहुत अच्छी लेडी है और ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, बड़े बड़े स्टार्स के मेकअप ये करती है, पर मैंने भी करवाए हुए हैं अपने लोगों से, बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है एनी। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मेरी सबसे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट में से एक है और जो इसका मेकअप होता है बिल्कुल नेचुरल होता है, हमारे को लगता नहीं कि हमने मेकअप किया हुआ है, अपनी नेचुरल ब्यूटी इस प्लेस के मेकअप में दिखती है। वेरी नाइस। कांग्रेचुलेशंस एनी, बिटिया का मेकअप बहुत अच्छा है, इसने मेरी बिटिया का मेकअप करा था, बहुत नेचुरल मेकअप, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। दीदी कांग्रेचुलेशंस एनी, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और बहुत ही कूल है और सब बहुत अच्छी नेचर है। आप सभी इतना इनके बारे में कह रहे हैं तो बहुत बहुत आप सभी को थैंक यू, है ना? और हम भी ये दुआ करते हैं कि आपका बहुत, आपकी मेहनत के पुरुषार्थ से ये बहुत अच्छा अच्छा आगे बढ़े, खूब तरक्की कर रहे हैं आप। थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम वंशिका है, मैं
मैं बीकानेर से हूँ और हम दोनों सिस्टर हैं। आज इन्होंने अपने मेकअप स्टूडियो का इनोग्रेशन किया है। हम लोग पिछले 7-8 सालों से साथ में काम करते हैं और हम लोग जयपुर ही नहीं, सभी जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी मेकअप सर्विसेज हम लेते हैं। बहुत बहुत बधाई। आप क्या क्या सर्विस देंगे अपने मेकअप स्टूडियो में? मेकअप के रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे ब्राइडल मेकअप, सेलिब्रिटी मेकअप, सूट मेकअप, सारा कुछ। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपको भी थैंक यू।